फिर एक बार योगी सरकार का नारा लगाने वालों को इस बार बड़ा जोर का झटका लगने वाला है। ये झटका समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव या बीएसपी सुप्रीमो मायावती या फिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं देने वाली, बल्कि ये झटका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। योगी सरकार ने अगले महीने से बिजली महंगी करने का इरादा कर लिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग अगस्त के पहले हफ्ते में 2019-20 के लिए नए बिजली टैरिफ का ऐलान कर सकता है। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से बढ़ी दरों के हिसाब से बिल देना पड़ सकता है। आयोग ने बताया कि बिजली दर प्रस्ताव पर सुनवाई पूरी होने के एक हफ्ते के भीतर नई दरों का ऐलान हो जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि नए टैरिफ में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कमर्शियल बिल के बराबर होगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार एक ही झटके में 20% तक दाम बढ़ा सकती है। मुमकिन है कि नई दरों में उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले फिक्स चार्ज को भी बढ़ाया जाए। ये प्रस्ताव शहरी और ग्रामीण सभी उपभोक्ताओं के लिए है और ये सलाह पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग को दिया है। उसमें शहरी मीटर्ड उपभोक्ताओं के साथ ग्रामीण किसानों की बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की बात कही गई है। घरेलू शहरी उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज 100 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 110 रुपये प्रति वाट किलो करने का है। अभी बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 50 रुपये फिक्स चार्ज लिया जाता है, उसे बढ़ाकर 75 रुपये प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव कॉरपोरेशन ने दिया है। अनमीटेड किसानों को 150 रुपये प्रति बीएचपी हर महीने देना पड़ता है, इसे भी बढ़ाकर 170 रुपये प्रति बीएचपी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा समय पर बिजली बिल जमा करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट को 0.5 से बढ़ाकर 5% तक किया जा सकता है। इसके अलावा उद्योगों का बिल समय पर जमा करने पर 2.5% की छूट का प्रावधान किया जा सकता है। तो फिर क्या, हो जाइए तैयार अगले महीने से करंट का शॉक सहने के लिए। आकाश शुक्ल, लखनऊ।